आज हम बात करने वाले हैं फाइबर गिग प्रमोशन के बारे में कि फाइबर गिग प्रमोशन फाइबर के गिग्स के लिए क्यों ज़रूरी है और इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं और कैसे इसको यूज़ करते हैं और फाइबर गिग प्रमोशन का हमारे फाइबर की गिग्स पे क्या असर होता है और इसका हमें बेनिफिट होता है या लॉस होता है, आज हम इन बातों पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप सबको बता दूं कि ये चैनल जो है फ्रीलांसिंग वर्ल्ड, जिसपे हम फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड सभी बातों पे डिस्कशन करते हैं और यहाँ पे हम फ्रीलांसिंग, फाइबर, अपवर्क और पीपल पर आवर के सभी टॉपिक्स पे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक आप सबको पता ही चल गया है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कर लेना, कहीं ऐसा ना हो अगर आप ये समझ रहे हो कि हमें तो इस वीडियो के बारे में या इस टॉपिक के बारे में पता है और आप इस वीडियो को छोड़ दो तो आपका शायद लॉस हो सकता है। तो इसमें हम कुछ नई बातें डिस्कस करेंगे, तो होप है वो आपके काम आएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइबर की प्रमोशन क्या है। तो जो बिगिनर्स हैं, सबसे पहले जो फाइबर को ज्वाइन करते हैं वो क्या करते हैं, अक्सर सबसे पहले गिग क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद बोलते देखते हैं कि हम ऑर्डर कैसे जल्दी लें। उसको हासिल करने के लिए वो क्या करते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं उसको ऐड करते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल में और वहाँ पे जो है अपने गिग्स के लिंक को शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी फेसबुक सभी फाइबर के न्यू यूज़र ये काम करते ही करते हैं, मैंने भी ये काम किया हुआ। बट मेन जो पर्पस उनका ये होता है कि अपने गिग को प्रमोट करने का, कि उनको उनका फाइबर का फर्स्ट ऑर्डर मिल जाए। जी हाँ, सबसे पहले तो उनका यही मेन कंसर्न होता है कि उनका गिग क्रिएट है, प्रोफाइल फाइबर पे क्रिएट है और वो चाहते हैं हमारा पहला ऑर्डर मिल जाए। तो मैं उन लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि 99% जो है न्यू फाइबर यूज़र जो है इस प्रमोशन के चक्कर में ही रह जाते हैं और उनको पहला ऑर्डर जो है नहीं मिलता है। सिर्फ 1% जो है जिसके जिसके पास बहुत अच्छा लक है और उसका जो किस्मत अच्छी है उसको ऑर्डर मिल सकता है, बट 99% लोगों को यहाँ पे प्रमोशन की वजह से ऑर्डर नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना सारा टाइम जो है प्रमोशन के ऊपर ही लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो प्रमोशन चीज़ है क्या। ये इस तरीके के जो ग्रुप्स ऐड कर लेते हैं फाइबर के जो है न्यू यूज़र्स हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पर और अपनी फाइबर की जो है लिंक्स शेयर करते हैं गीक्स की। आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने भी अपने गीक्स के जो है लिंक शेयर कर रखे हैं और वो क्या करते हैं यहाँ पे ट्रैफिक लाते हैं। ट्रैफिक लाने से क्या होता है मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई गीक ओपन की हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हो सेव ऐड और यहाँ का ऑप्शन आया है ऐड टू सेव का और यहाँ पे 12,086 लोगों ने इस जो गिग को सेव कर रखा है और इसी तरीके के एक और गिग है, ये देख सकते हैं उसका नंबर उससे ज़्यादा है। तो इस तरीके से ट्रैफिक लाते हैं और वो सोचते हैं कि हम ट्रैफिक लाएंगे तो हमारे गिग जो है प्रमोट होगी और फर्स्ट पेज पे रैंक होनी स्टार्ट हो जाएगी तो हमें जो है ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये काम करना बंद कर दो कि अपना सारा टाइम प्रमोशन के ऊपर देना बंद कर दो। हाँ, आप अगर प्रमोट करना चाहते हो तो आप एक आधा घंटा यहाँ पर दे सकते हो अपने गिग को प्रमोट करने के लिए, यहाँ पे लिंक्स शेयर करने के लिए एक या आधा घंटा आप सिर्फ यहाँ पे व्यतीत कर सकते हो जिससे आप चाहते हो। अगर आपका मन है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रमोट हो रही है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एग्जांपल एक मैंने सेट कर रखी है, जो मैंने अपना एक फाइबर का गिग क्रिएट किया था जिसपे मैंने सोशल मीडिया का अकाउंट क्रिएट किया था, गिग क्रिएट की थी और उसको बिना प्रमोट किए मैंने जो है फाइबर के ऊपर अपने गिग को रैंक करवाया था। तो मैंने उस पर को प्रमोट नहीं किया बट मेरी जो गिग है वहाँ पे खुद ब खुद प्रमोट हो रही थी और मेरे को उसके ऊपर ऑर्डर भी मिले हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका 50% आपको बेनिफिट भी है, 50% लॉस भी है। तो अपना ज़्यादातर टाइम जो है यहाँ पे व्यतीत करना बंद कीजिए और जो मेन काम है मैं आपको दिखा देता हूँ। आपका जो मेन काम है आपने क्या करना है, आपने अपनी गिग अच्छे से क्रिएट करनी है, उसके बाद जो ये तीन काम करने हैं, आपने अपना थंबनेल अच्छे से क्रिएट करना है। जी हाँ, मैंने थंबनेल को फर्स्ट नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि जो भी क्लाइंट है सबसे पहले आपका थंबनेल देखकर ही आपके गिग के ऊपर आता है। देन सेकंड, आपके कीवर्ड्स अच्छे होने चाहिए, आपके कीवर्ड्स रेलेवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए आपके गिग के अकॉर्डिंग, तो ही आपके गिग जो है रैंक करेगी। थर्ड जो है आपका आता है टाइटल, अच्छा टाइटल आपका होगा, शॉर्ट टाइटल होगा और जिसपे ज़्यादा कीवर्ड्स कवर होंगे तो आपका जो गिग रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। रैदर देन अगर आप ये काम करोगे कि आप अपने गिग को प्रमोट कर रहे हो इस तरीके के ग्रुप्स में, तो उसमें चांसेस तो हैं, ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर आपने फाइबर की प्रोफाइल ओपन कर रखी है, यहाँ पे क्रिएट कर रखी है, गिग्स क्रिएट कर रखी है, तो अपनी शेयर कर रहे हो। बट उसके अलावा अगर आप दूसरी जगह आप अपना लॉस देखो तो वहाँ पे आप अपनी बाय रिक्वेस्ट को मिस कर रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ प्रमोट कर रहे हो तो दूसरी तरफ अगर आपकी बाय रिक्वेस्ट आ रही है तो आपको 10 बाय रिक्वेस्ट मिलती है, तो हो सकता है अगर जो आपको काम आता है उस दौरान आपकी बाय रिक्वेस्ट मिस हो जाए,
ठीक है, अगर कोई मैसेज क्लाइंट का आ रहा है या फिर आप गिग पे यहाँ पे प्रमोशन पे लगे हो, दूसरी तरफ आपको कोई जो न्यू क्लाइंट मैसेज कर दे कि आपको अपना पहला ऑर्डर मिलने के चांसेस आपको लग रहे हो, वहाँ पे मिल रहा हो, बट आप यहाँ पे प्रमोशन के पीछे भाग रहे हो, वहाँ पे क्लाइंट आपका वेट कर रहा है, तो आपका क्लाइंट वेट नहीं करेगा। तो आप इस तरीके के चक्रों से जो है इसको अलग से टाइम दीजिए, एक आधा घंटा आप सिर्फ काम कर सकते हो, बट ये नहीं है कि आप ज़्यादातर टाइम अपने गिग प्रमोशन के ऊपर लगाओ और जो है अपना टाइम जो है यहाँ पे वेस्ट करो। आप अपना जो है फाइबर का ऑर्डर अपनी गिग के कीवर्ड टाइटल थंबनेल के अकॉर्डिंग या फिर डिस्क्रिप्शन आप अच्छी लिखो उसके अकॉर्डिंग आप अपना फर्स्ट ऑर्डर जो है ले सकते हो। तो आज मैं सिर्फ आपको ये बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि आप अपना ज़्यादातर टाइम जो है बिगिनर्स हैं या फिर न्यू फाइबर यूज़र हैं तो यहाँ पे फाइबर गिग प्रमोशन के पीछे आप मत पड़े, तो अपनी फाइबर की गिग के ऊपर आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। जी हाँ, अगर आप अपना फाइबर का ऑर्डर लेना चाहते हो, आप बिगिनर हो या फिर फ्रेशर हो, अगर आपको स्किल नहीं पता कि आपने कैसे फर्स्ट ऑर्डर लेना है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है, आप चैनल पे जाकर वीडियोस देख सकते हो। और हाँ, फेसबुक से आप ऑर्डर ले सकते हो, जी हाँ फेसबुक से आप क्लाइंट बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप कैसे फेसबुक से क्लाइंट बनाना चाहते हो, ईजिली बनाना चाहते हो, और वो कौन से ग्रुप्स हैं जिसपे आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर अपना जो है जो ओपिनियन दे सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि उसके ऊपर भी आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मुझे, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपका जो है बिल्कुल 101% ज़रूर हेल्प करूँगा। बट आपको ये भी मैं एक गाइड करना चाहता हूँ कि इस पे आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये देख सकते हो काफ़ी जो फ्रीलांसर यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे ट्रैफिक लाने की कोशिश करते हैं, बट अगर आपकी गिग पे जो है अच्छे से कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और उसके अलावा आपके टाइटल्स पे और थंबनेल कैची है, आई कैचिंग थंबनेल लगा हुआ है, तो आपके ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स आपको मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे और आपकी गिग जो है रैंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें अपनी गिग के ऊपर ताकि आपको क्लाइंट जो है आसानी से मैसेज करे, आपको आपका फर्स्ट ऑर्डर मिल जाए। तो वीडियो को देखने के लिए यार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा आप मुझको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो अगर आपका कोई क्वेश्चन है। इस चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, आप सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस चैनल को। और अगर आप इस तरीके की वीडियोस और देखना चाहते हैं तब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा देना। इस चैनल को वीडियोस को सबसे ज़्यादा शेयर करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको ज़रूरत है, उनको इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ। अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर आप मैसेज करके मुझसे हेल्प ले सकते हो। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।